हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मालिक और मैं आपको लिली मास्टर चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आप एक SMS भेजकर अपना फ्रेंड और किसी भी मोबाइल को अपने हाथ से कंट्रोल करना चाहते हैं और उस मोबाइल के बारे में पूरी डिटेल्स को जानना चाहते हैं कि उस मोबाइल में क्या हो रहा है, कहाँ है, किसको वो फ़ोन कर रहा है, इनकमिंग कॉल कितना है, कितना आउटगोइंग कॉल है, क्या क्या SMS करता है, सब कुछ जान सकते हैं। अगर आप इस सब के बारे में जानना चाहते हैं और एक SMS के द्वारा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पहले से अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हम पहले जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें सर्च बटन में सर्च करना पड़ेगा टिकली माई फोन टू रिमोट फ्री। जब आप ये सर्च बटन में सर्च करेगा तो आपको ऐसा एक ऐप को दिखाई देगा। से मैं सर्च करता हूँ तो मैं पहले से यह सर्च कर रखा हूँ तो ऐसा आएगा और फास्ट जो पहला जो हमारा ऐप से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद यह देख सकते हैं कैसे ये ओपन करना होगा। तो हम ये इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा एक साउंड होगा क्योंकि ये पहला ओपन करने के लिए ऐसा एक साउंड होता रहेगा। तो सिंपली यह एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा एक आपको पेज ओपन होगा। इसमें आपको यह जो फास्ट जो टेक्स्ट है उसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें दूसरा जो ये गाइडलाइन है, आप गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ जो एक ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसमें जाना है। जाने के बाद आप यह देना है। अगर आप कॉल जिस मोबाइल का कॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो यह जो है लिखा है कॉल बैक। अगर आप उस जिस मोबाइल में ये ऐप को इंस्टॉल कर देगा आप, तो उस मोबाइल में आप अपने मोबाइल से जब भी आप एक SMS करेगा तब उस मोबाइल से आपको फ़ोन ऑटोमेटिकली डायल हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो हम जब आप उस मोबाइल में यह जो लिखा है कॉल मी बैक, अगर आप SMS में से लिखते हैं कि कॉल मी बैक और आप सेव कर दिया है यह और आपका मोबाइल से उस मोबाइल में यह कॉल मी बैक लिख कर सेंड करते हैं तो आपका मोबाइल में उस मोबाइल से फ़ोन आएगा। और कॉल बैक स्पीकर ऑन या वाइब्रेशन है, पॉपुलर है SMS, और यह कॉल नंबर है। आप जब भी कॉल नंबर लिखकर उस मोबाइल में सेंड करेगा तो उस नंबर का जितने भी कॉल नंबर है उसका सब नंबर अपने मोबाइल में आ जाएगा। ये जो फ़ोटो का टेक फ़ोटो, अगर आप अपने मोबाइल से सेंड करते हैं टेक पिक्चर तो उस मोबाइल में अपने आप खींच लेगा एक फ़ोटो। आप फ्रंट कैमरा से भी खींच कर सकते हैं और बैक कैमरा से भी खींच कर सकते हैं। तो इसके बाद जाएंगे हम यह लाइव पिक्चर एंड सेंड इमेज। दोस्तों, यह जो है टेक लाइव पिक्चर एंड सेव इमेज। आप जब भी यह सेंड फोटो लिख कर आप अपने मोबाइल से सेंड फोटो लिख कर उस मोबाइल में सेंड करेगा तो उस मोबाइल में ऑटोमेटिकली एक फ़ोटो खींचेगा और अपने मोबाइल में सेंड कर देगा और पता ही नहीं चलेगा उसको कि उसका मोबाइल से एक फ़ोटो खींचकर अपने आपका मोबाइल में सेंड कर दिया। और यह है हायर आर यू, ये बेस्ट फीचर्स है। दोस्तों, इस फीचर ये है कि जब भी आप अपने मोबाइल से हायर आर यू लिख कर सेंड कर देगा इस ऐप जिस मोबाइल के आप इंस्टॉल कर दिया है तब आप अब आपको मोबाइल में ऑटोमेटिकली उसका मैप आ जाएगा कि वो
कौन जगह पे है, तो यह एक खास फीचर है इस ऐप के। और यह जो है सेंड फाइल फ्रॉम एचडी कार्ड, आप यह गेट फाइल लिखकर सेंड करके भी आप अपने मोबाइल में अपने फ्रेंड का एचडी कार्ड का फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यह जो ब्लूटूथ सेटिंग्स, सेंड एसएमएस डिटेल्स रिपोर्ट, यह जो है यह सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंस है। सेंड कॉल लॉक डिटेल्स रिपोर्ट, वो के दिन भर कितना कॉल किया है उसका कॉल डिटेल्स आपको अपने मोबाइल में सेंड कर देगा, जब भी आप सेंड करेगा उस मोबाइल में कि सेंड कॉल रिपोर्ट, तब सारे दिन का कॉल रिकॉर्ड आपका मोबाइल में सेंड कर देगा। तो यह करने के बाद हमें ये सेटिंग्स में जाना होगा। और दोस्तों आप ये ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने आप समझ जाएगा कि क्या है। दोस्तों यह जो ये करना, ये तो आपको ज़रूरी करना है कि दोस्तों ये जो एक ऑप्शन है हाइड टिकली माई फोन कमेंट, जब भी आप अपने मोबाइल से किसी भी एसएमएस को सेंड करेगा, आप ऑब्वियसली चाहते हैं कि उस एसएमएस को वो ना देख पाए। अगर वो देख पाए तो आपका उस मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं कि मेरे साथ कोई गड़बड़ हो रहा है, कोई भी मेरा मोबाइल को हैक कर रहा है, तो आप यहाँ इनेबल कर देगा और आप उसको नहीं पता चलेगा कि कौन मुझे कमेंट कर रहा है और सेंड कर रहा है एसएमएस। जितने भी आप सेंड करोगे एसएमएस हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ जो सेफ लोगो, आप लोगो भी हाइड कर सकते हैं। सेट पिन और पासवर्ड, आप यह पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, तो मैं नहीं सेट करना चाहता हूँ। दोस्तों एक नीचे वाला जो ऑप्शन है यह करना होगा, अगर इसके बिना आपका यह जो ऐप वो अधूरा हो रह जाएगा, क्योंकि आपका अपने ईमेल आईडी को उस मोबाइल में जोड़ना होगा जिस मोबाइल में आप ये ऐप को इंस्टॉल कर देगा। दोस्तों यह मैं अपने ईमेल को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं जोड़ देंगे अभी। और पासवर्ड देना होगा, मैं पासवर्ड देता हूँ और मैं पुश करना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। दोस्तों मैंने पासवर्ड दिया और सेव हुआ, और ये सेंड ईमेल आईडी दिया है रीड मी टिकली माई फोन। तो यही है दोस्तों आज के लिए। आप उस नंबर को हैक करने के लिए और सारी जानकारी पाने के लिए आपको ये ऐप इंस्टॉल करना होगा और अपने ईमेल आईडी से जुड़ना होगा। दोस्तों आप अपना फ्रेंड के मोबाइल में सारी काम करने के बाद आपको जीमेल आईडी के द्वारा लॉगिन करना होगा, वो जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा जिस जीमेल आईडी के साथ अपना फ्रेंड का मोबाइल के साथ जोड़ दिया है आपने। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार सिंपली। यह जीमेल आईडी में जाना होगा दोस्तों, मेरा यह उस जीमेल आईडी नहीं है जो मैंने उस ऐप के साथ लिंक किया है, और मैं अपने मोबाइल में ही तो लिंक किया है और दूसरी जीमेल आईडी से लिंक किया है। तो अगर आप अपने जिस जीमेल आईडी को अपने फ्रेंड के मोबाइल से जोड़ दिया है उस जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर दिया, तो आप उसका सारी जानकारी ले सकता है। आप अपने मोबाइल से सेंड करेगा एसएमएस कि सेंड मी कॉल डिटेल्स, टेक फोटो, आप किसी भी उसमें जो आप सेट कर दिया सेंड कर देगा, और आपको जो फीडबैक वो मिलेगा आपका जीमेल आईडी के द्वारा, और आपका जीमेल आईडी से आप उस मोबाइल का सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही है, और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।